हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं पोकेमोन अनबोर्न वर्जन। और पोकेमोन वन के पिछले पार्ट में हमने बैटल किया था टर्मिनेट मेंशन में जाकर ट्रेनर से, और हमें मिला था मेगा कफ। और उसके बाद जब मैं यहाँ से बाहर आ रहा था तो मुझे जिम लीडर मेल मिला और उसने मुझे यहाँ पर HM दिया, जो कि HM02 ये है फ्लाई। और हमारे जो गार्चोम्ब ये कर सकता है कोई बिना सीखे, जैसे कि आप यहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि गार्चोम्ब को मैंने अभी ये मूव सिखाया नहीं है, फिर भी वो इस मूव को कर सकता है। ये रहा देखो, यहाँ पर ही फ्लाई आ तो रहा है, पर मैंने यहाँ पर आप इसके मूव सेट देख सकते हैं, मैंने इसे अभी तक नहीं सिखाया। तो ये इस गेम में काफ़ी अच्छी बात है कि हमें HMs को सिखाने की जरूरत नहीं है कोई अपने पोकेमोन्स को। वैसे मैं फ्लाई करके आज जाना है एपिडेमिक टाउन, जहाँ पर हमें अपना मिशन पूरा करना है, जो कि थंडर कैप माउंटेन पर जाना और चैप्टर्स को सेव करना। ओके, हम आ चुके हैं एपिडेमिक टाउन। और यहाँ पर मैं सेकेंड एक बात चेक कर लेता हूँ, मैं हमारे जो यहाँ पर आइटम्स रखे हुए हैं पोशन और बाकी सारी चीज़ें हैं कि नहीं, क्योंकि यार अगर हमें वहाँ पर जाना है तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा थंडर कैप माउंटेन पर। वहाँ पर हमारे बैटल्स भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे बैटल्स। और वैसे भी वहाँ पर टीम शैडोज गए हुए हैं तो यार काफ़ी सारे गार्ड्स होंगे, इसलिए हमें अपनी अच्छी तरह से सुपर पोशन और हाइपर पोशन लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं शॉपिंग करके आता हूँ, तब तक लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, मैंने शॉपिंग कर ली है और अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। दिस इज़ योर फाइनल वार्निंग रास्कल, मूव और बी मूव्ड, या आई रिफ्यूज टू अबैंडन माय पोस्ट। आई मस्ट प्रिवेंट गीगा फ्रॉम एंटरिंग द थंडर कैप माउंटेन एट ऑल कॉस्ट। ओके, ऐसे हमसे डर लग रहा है, लगता है हम इनका प्लान फेल ना कर दे जैसे हमने इनके पहले प्लान फेल किया है। नाउ आई डोंट वॉन्ट हर्ट यू, बट आई विल इफ यू मेक मी मिस माई डीप। इट इज यू मैसेज मिल टैंक हिट एम विद अ बॉडी स्लैम। ओके यार, मिल टैंक इसे बॉडी स्लैम कर रही है अर्थ। ओके, ये मिल टैंक के नीचे बिल्कुल दब गया होगा। आई रिकॉन यू गोट इट फ्रॉम हेयर पार्टनर, बट आई गोट अ रन। वॉट एवर दीज रास्कल्स आर अप टू, दे ऑब्वियसली डोंट वॉन्ट यू इंटरफेयरिंग, सो गो नट्स। ओके भाई, जिम लीडर मिल तो ऐसे चला गया है और हो सकता है वो अंदर ही गया हो, पता नहीं। अभी तो हमें जाना है और यहाँ पर ये कर रहा है ओ माई हेड। ओके, इसका सिर फूट गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो है रिपेल। रिपेल करना बहुत जरूरी है, पर यार मैं देख रहा था मुझे मैक्स रिपेल 4 ही पड़ी हुई है, पर यार शॉपिंग्स में मुझे मैक्स रिपेल मिले नहीं। ओके, अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। और यहाँ पर ये स्टॉप, ओके है वापस आ रहा है लगता है। आई कांट लेट यू थ्रू, इफ़ यू गेट पास्ट मी दे यूज़ मी फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, वो इसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करने वाले हैं, पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, हो सकता है इसे पोकेमोन ने बना दे वो। यू आर नॉट गेटिंग एनी फर्थर। ओके, हमसे बैटल कर रहा है अभी। नो, आई रेदर लीव द रीजन देन बी टर्न इन टू वन ऑफ दोज थिंग्स। ओके, यहाँ ये रीजन छोड़ के जा रहा है यहाँ से, हो सकता है इसने टीम साइड उसको भी छोड़ दिया हो। ओके यार, पहले मैं अपने एमोसनों को थोड़ा हेल करता हूँ, क्योंकि यार ये इसने तीनों पोकेमोन से अकेले फाइट की है और उसकी HP काफ़ी कम हो गई। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। वो यहाँ पर है भाई, स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ेगा हमें नहीं मतलब हमारे पोकेमोन को। ओके, यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं है लगता है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर एक पोकेबॉल देखी थी, यहाँ पर होनी चाहिए, ये रही मिल गई। ओके, एलेक्जायर, चलो काफ़ी अच्छी चीज़ मिली गई है। मैं अपने हमारे पोकेमोन के मूव की PP बढ़ाएगा, ये मतलब रिस्टोर करेगा, बढ़ाएगा नहीं। ओके, अभी हम चलते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ चलना पड़ेगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा हमें। और ऊपर की साइड भी शायद से कुछ होना चाहिए, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं हम जाकर। ओ हाँ, यहाँ पर भी है एक पोकेबॉल। और आगे यार एक गोल्डन कलर की पोकेबॉल रखी है, पर अभी हम ले नहीं सकते उसे, क्योंकि हमारे पास सर्फ नहीं है अभी, पता नहीं कब मिलने वाला है वो। अभी ऊपर चलते हैं, वो यहाँ पर हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर यहाँ के, और रिपेल करते हैं पहले। और डस्ट बॉल मिली हमें यहाँ पर। ओके, वापस नीचे नहीं जाना हमें, तो पहले यहाँ से चलते हैं हम इस तरफ, देख के आते हैं थोड़ा ऊपर की साइड, हो सकता है ट्रेनर्स हो। अरे यार, यहाँ तो रूट मतलब एपिडेमिक टाउन बता रहा है ये इस तरफ। ओके, यहाँ से हमें अभी हम जा नहीं सकते वहाँ से। ओके, यहाँ पर, ओके यहाँ ये क्या करना है, यहाँ पर
रोक स्मैश, चलो करते हैं रोक स्मैश, ठीक है हो गया। और यहाँ पर एक ट्रेनर बैटल हुआ ख़त्म, और अभी हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर हमें मिला है कुछ नहीं मिला अभी हमें, यहाँ पर बस ट्रेनर्स ही मिल रहे हैं अभी तो। और ऊपर एक पोकेबॉल भी रखी हुई है, पर हम उसे लेंगे कैसे, इस तरफ जाकर ले लेते हैं एक पोकेबॉल। तो पहले ये क्या 60 मिला हमें, और यहाँ से नीचे चलते हैं, वहाँ पर मैंने एक पोकेबॉल देखी तो है पर हम उसे ले नहीं सकते अभी। और यहाँ पर एक ट्रेनर बैटल होने वाला है अब, बैटल करते वक्त हमारे मैगमार ने एक फ्लेम थ्रोर भी सीख लिया है। मैं काफ़ी वक्त से सोच रहा था कि वो फ्लेम थ्रोर कब सीखेगा, पर आखिरकार उसने सीख लिया फ्लेम थ्रोर। और सबसे पहले हम पोकेमॉन हील करते हैं अपने, ओके ये रहा सुपर पोशन। अभी हमारे टीम में एबोमसनो का लेवल थोड़ा कम है सभी पोकेमॉन से, 48 का है वो, तो मैं अभी अब उसी की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और ऊपर मुझे एक जायगार्ड का एक पार्टिकल भी दिख रहा है, पर उनसे लेंगे कैसे, शायद आगे से रास्ता होगा कोई। यहाँ से चलते हैं अभी हम, और रिपेल यार ख़त्म ना हो जाए, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी केव है, पर मैंने 30 रुपये लिए थे, हो सकता है ख़त्म हो सकते हैं, पर कोई नहीं अभी देखते हैं हम आगे। पता नहीं कितनी बड़ी केव नहीं मतलब माउंटेन जो भी है। और यहाँ पर एक और मेंबर टीम स्वैडोस का, और बैटल मैंने इसे कर लिया है। और यहाँ से ऊपर की साइड हमें बाइक से जाना पड़ेगा, ओके हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, बाइक लेके चलते हैं। पर अभी हम यहाँ से कुछ जा नहीं सकते, वहाँ से रास्ता बंद पड़े हुए हैं, तो अभी यहाँ से जाना है हमें लगता है स्ट्रेंथ का यूज़ करके। ओके ये तोड़ देते हैं हम, ओहो धक्का मारते रहो बस। और यहाँ पर हमें लगता है पजल सॉल्व करनी है एक छोटी सी, कर देते हैं भाई से सॉल्व, भाई काफ़ी सिंपल पजल है ये। ओके यहाँ से हमें चलता है, और ये हो गया, ओके इसे भी तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ से ये हमने पजल कर दिया सॉल्व, और साथ साथ इसे भी तोड़ देते हैं, इसका क्या काम है अब। ओके यहाँ पर भाई कितने सारे रास्ते हैं, हमें सब पे जाना पड़ेगा, पर नीचे नहीं जाना अभी, नीचे जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ से भी नीचे नहीं जाना, ऊपर चलते हैं पहले। और यहाँ एक ट्रेनर है, बच के चलना पड़ेगा स्टार्टिंग में तो। और यहाँ चलते हैं पहले, और यहाँ पर एक शैडोज़ का मेंबर भी है, सो रहा है लगता है, टीम शैडोज़ ने भी ऐसे आलसी लोगों को भर्ती किया हुआ है अपनी टीम में। और यहाँ से नहीं चलते हैं, और ये रहा वो पार्टिकल जिसके लिए हम कह रहे थे, मिल गया मुझे, ओके 21% हो चुका है ये, पता नहीं 100% कब होगा, मेरी टीम में एक नया पोकेमॉन आ जाएगा 100% फॉर्म वाला जायगार्ड। अभी ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर भाई ट्रेनर्स भी काफ़ी सारे हैं, इस तरफ चले गए पहले, यहाँ चेक करते हैं। और यहाँ से तो भाई कुछ भी नहीं है वैसे, ओके कुछ नहीं है वैसे, और इसे तोड़ देते हैं पहले, अगर हम नीचे गए तो यहाँ से इसे दूसरी तरफ से तोड़कर हम आ सकते हैं। और यहाँ से अभी इस तरफ चलते हैं, और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है क्या, एक सेकेंड ये रहा, हाँ रिवाइव मिला है हमें, ओके यहाँ से भी ये रहा एक और मेंबर यार, इसे बैटल करना पड़ेगा लगता है। ओहो यहाँ पर कुछ नहीं है लगता है, एक सेकेंड इस पत्थर पे भी कुछ रखा रहता है यार, चेक करना चाहिए वैसे, हमें 60 मिल गया, पर ये 60 ही मिल रहे हैं यार बेकार से, इनका यूज़ तो होता नहीं शायद, पता नहीं मैं तो इनका कोई यूज़ करता नहीं, अगर होता भी होगा तो। ओके मुझे लगता है हमें आगे से ही जाना है, मुझे सीढ़ी भी दिख रही थी ऊपर साइड, अब इससे बैटल करना पड़ेगा। ओके बैटल कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ से अभी हम चलते हैं, ऊपर जाना है हमें, और रिपेल्स ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, चलो भाई। ओके यहाँ पर भी लगता है पजल टाइप है कुछ, बटन बटन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ यूज़ करना होगा। चल भाई एमएमएसनो स्टार्ट हो जाए अपना काम करने के लिए, वैसे एमएमएसनो का यहाँ काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है वो हमारे यहाँ पर मदद कर रहा है काफ़ी, और बैटल्स में मदद कर रहा है। और यहाँ से भी हमें ऊपर उछल उछल के चलना है इनसे ऊपर, और यहाँ पर ये नर्स जो है असिस्टेंट है हमारे पोकेमॉन को हील करने के लिए। वैसे मैं सोच रहा था माउंटेन के अंदर कोई हील करने के लिए होगा नहीं, पर हमें मिल ही गए कोई ना कोई हील करने के लिए। ओके यहाँ से हम ऊपर चलें पहले या नीचे चलें, पहले ऊपर की साइड चलते हैं, मुझे एक यहाँ पर शैडोस का मेंबर भी दिख रहा है तो इससे बैटल कर लेंगे। ऊपर जाने के लिए अभी हमें यहाँ से इस बोल्डर को थोड़ा इस तरफ पुश करना होगा, यहाँ से इसे करते हैं पुश, और इधर से ऊपर लेके जाएंगे इसे, और नीचे भी हम एक बार चेक करेंगे बाद में, अभी तो हमें ऊपर की साइड ही चेक करना पड़ेगा। ओके इस तरफ से इसे पुश करेंगे, और यहाँ से अभी इस पर ये जो प्लेट्स दिख रही हैं यहाँ पर हमें डालना होगा, और यहाँ से मुझे लगता है बैटल भी करना पड़ेगा, चलते हैं पहले तो। और एक और बोल्डर है यहाँ पर, इसे भी पुश करते हैं थोड़ा,
चल भाई बैटल स्टार्ट कर जल्दी जल्दी। ओके बैटल ख़त्म हो चुका है और यहाँ से भी हम ऊपर साइड चलना पड़ेगा और इसे हम जल्दी जल्दी पुश करते हैं। चल भाई भाग जल्दी जल्दी आगे, बहुत हमने टाइम वेस्ट कर लिया है यहाँ पर। और ये केव में हम आ चुके हैं ऊपर, थर्ड फ्लोर की केव है ये, और ऊपर शायद कोई होगा। ये रहा भाई, ये बैठा हुआ हमारी जा कर रहा है ट्रेनर। तो हम मैंने वहाँ पर वहाँ तक तो आपको रास्ता दिखाई दिया है कि यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पर नीचे चेक करने वाले हैं क्योंकि नीचे की तरफ चेक करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है, हो सकता है कुछ अच्छा हमें कुछ चीज़ें मिल जाए यहाँ पर। ओके इस तरफ चेक करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और आगे की साइड में स्टेयर्स दिख रही हैं ऊपर की साइड जाने के लिए, पर वहाँ तक हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हम इसे पुश करेंगे तो यहाँ पर ये पानी में ना गिर जाए। तो यहाँ से वैसे गिरेगा तो नहीं, पर यहाँ पर एक और प्लेट दिख रही है, इस पर रखते हैं। ओके आगे का रास्ता बन चुका है और यहाँ पर ओके यहाँ पर अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिटरली खाली है यहाँ पर। ओके रिवाइव मिला है हमें, चलो यहाँ कुछ फ़ायदा तो हुआ, वरना मुझे लगा हमने टाइम वेस्ट किया है। तो अभी मैं वापस जाने वाला हूँ उसी केव के पास। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर वापस और आगे की साइड से हमें जाना है और यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। ये रहा एक पोकेबॉल रखी हुई है। ओके आयरन, आयरन मिला है भाई, कैसी कैसी चीज़ें मिल रही हैं यार। काश हाइपर पोशन मिलता है तो अच्छा रहता, पोकेबॉल सेल करने के लिए काफ़ी सही रहता। तो अभी इस तरफ चलते हैं हम। ओके यहाँ पर भी थोड़ी सी छोटी सी पजल है, ये छोटी छोटी पजल है, इन्हें हमें सॉल्व करते हुए अपने आगे बढ़ना है बस, और कुछ नहीं। तो पहले इसी बोल्डर को पुश करते हैं। ओके चलते हैं भाई आगे यहाँ से, हो गया। तो यहाँ से हमें दूसरे वाले बोल्डर्स को भी पुश करना होगा, पर यहाँ पर पहले हमें इन्हें रॉक स्मैश से तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर भी मुझे दो ही रास्ते दिख रहे हैं, पहले हमें एक को पुश करना पड़ेगा और फिर दूसरे को। ओके यहाँ पर हम आगे चलते हैं अब। ओके इसे पुश करना पड़ेगा हमें, और यार कितने ज़्यादा बोल्डर्स रखे हुए हैं पूरे माउंटेन पर। तो ओके यहाँ पर हम पहले इसे इस तरफ करते हैं, इस तरफ चलते हैं पहले। यहाँ पर एक पोकेबॉल भी रखी हुई है, उसे ले लेते हैं। मैक्स रिपेल, चलो कुछ तो अच्छा मिला है हमें यहाँ पर। और अभी हमें दूसरी साइड के लिए जाना होगा, हमें वापस से वही चीज़ें करनी पड़ेगी, बोल्डर्स को पुश करना पड़ेगा। अभी मैं दोबारा करता हूँ। ओके तो मैंने वापस से इन्हें अपनी वही कंडीशन में लेके आया हूँ और यहाँ से हमें आगे जाना है अभी। और यहाँ पर भी कुछ बोल्डर्स रखे हुए हैं, हमें से इन्हें संभल कर बिल्कुल पुश करना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने गलत डायरेक्शन में से कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर हमें वापस से वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके इस तरफ से नहीं, हमें इस तरफ से करना है ये। और हम बस पहुँचने वाले हैं उस ऊपर तक, मतलब नेक्स्ट जो वहाँ पर जो लैडर दिख रही थी वहाँ तक। तो इस तरफ हमें नहीं जाना है क्योंकि हम यहाँ से पहले ही जो हम उस जगह पर जा चुके हैं, हम दूसरी साइड से वहाँ पर गए थे। तो अभी हमें सीधे सीधे जाना है बस, और कोई यहाँ पर और दूसरी चीज़ नहीं करनी है। ओके रिपिल्स बहुत ज़रूरी है भाई। तो आखिरकार हम आई गए इतने मतलब लंबी पसल को सॉल्व करके करते करते। ओके इसे भी पुश कर देते हैं आखिर में। और यहाँ पर ये कौन है भाई, बैटल करेगा क्या? ओ हो यू गाइस होल्ड ऑन आवर टेल्स, आईड बेटर गो वॉन मार्लिन। हाँ भाई बता जाकर हमें, अभी हम भी आ रहे हैं बस। और यहाँ पर भाई कुछ रखा हुआ तो नहीं है ना स्टोन के ऊपर, कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं। ओके भाई अर्थक्वेक आ रहा है लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाटरफॉल के पीछे कुछ केव तो नहीं है ना छुपी हुई, और एक और बैटल करना पड़ेगा यार। ओके हमने इसकी बैटल करने की इच्छा पूरी कर दी और यहाँ से अभी आगे चलते हैं। पता नहीं कितने सारे गार्ड्स होंगे यहाँ पर। ओके वैसे जगह तो काफ़ी अच्छी है और एक और गार्ड मिल गया हमें।
यहाँ पर भाई चैन सी है, इससे हम पोकेमोन हेल करा देते हैं और ऊपर की साइड चलते हैं। वैसे यहाँ तक पानी क्यों है, लगता है बारिश हुई है। हाँ भाई बारिश हो रही है भाई ऊपर से, इसलिए पानी टपक रहा है। माउंटेन के अंदर भी लीकेज है। और यहाँ से भी इस तरफ चलते हैं पहले तो, यहाँ पर ओके नीचे जाना है हमें। और यहाँ पर एक पोकेमोन रखी हुई है, आगे कुछ नहीं है, थंडर स्टोन मिला है हमें। पता नहीं यार ये मैग्नेमाइजर कब मिलेगा, मुझे अपने मैगमार को यार इवोल्व करना है, बहुत वक्त हो गया भाई। वो हमारी टीम में बस वही रहता है इवोल्यूशन के बिना, पता नहीं कब मिलेगा हमें मैग्नेमाइजर। हमारे पास वैसे लिंक स्टोन तो है, लिंक नहीं वो ट्रेड स्टोन है शायद, हाँ ट्रेड स्टोन कहते हैं उसे, ट्रेड स्टोन है हमारे पास। और एक और बैटल, ओके वैसे काफ़ी बारिश हो रही है और लाइटनिंग भी काफ़ी हो रही है यहाँ पर। एक और पोकेबॉल रखी हुई है, ओके एस्केप रोप मिली हमें यहाँ पर, चलो एस्केप करने में यहाँ से काम आएगी है। अभी ऊपर चलते हैं। ओके यहाँ पर ये कौन है भाई, पोकेमोन से लगता है अंदर, इन्हें यहाँ पर कैद किया हुआ लगता है। देयर अपीयर टू बी सम पोकेमोन सील बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक बैरियर। ओके इलेक्ट्रिक बैरियर एक, आई हैव द की टू फ्री द पोकेमोन बट यू आर नॉट गेटिंग इट। अभी बताते हैं इसे। ओके फाइनली हमें मिल गई है बैरियर की, इसे हम यहाँ के पोकेमोन को फ्री कर सकते हैं। ओके अभी करते हैं ये काम जल्द से जल्द। ये रहा इन पोकेमोन्स को यहाँ पर, पता नहीं क्यों पकड़ के रखा हुआ है, लगता है ये यहाँ पर माउंटेन पर रहते होंगे पोकेमोन्स, वो मुझे लगता है ये टिम्बूर थे शायद। ओके अभी चलते हैं हम, एक लास्ट जगह रहती है यहाँ पर हमें जाना है, पहले नीचे चलते हैं हम यहाँ से। वेल गाइस मैंने साथ साथ पोकेमोन्स को भी हील करा लिया है और अभी हम चलते हैं ऊपर, लास्ट जगह रहती है जहाँ हमें जाना है। और एक और ट्रेनर बैटल, ओके यहाँ पर लगता है इन्होंने पोकेमोन पकड़े हुए थे पर वो निकल चुके हैं यहाँ से। ओके मैंने एक और कार्ड को हरा दिया है, पहले मैं पोकेमोन हिल करा गया था, तो मैंने पोकेमोन हिल करा लिया है और अभी हम चलते हैं ऊपर की साइड। और यहाँ से एक और जगह रहती है लगता है, कोई और भी है क्या ट्रेनर बैटल करने के लिए, पता ही हमें रॉक क्लाइंब कब मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर रॉक क्लाइंब करना है। और यहाँ पर ये पोकेमोन्स क्या कर रहे हैं, जिन्हें हमने छुड़ाया था। ओके द पोकेमोन आर फ्रीड आर रिपेयरिंग द स्टेयर्स। ओके हमारे लिए स्टेयर्स रिपेयर कर रहे हैं, टूट गई होंगी लगता है, तो यहाँ से जा रहे हैं हम। हमने इनकी मदद की और ये हमारी मदद कर रहे हैं टीम साइड उस तक पहुँचने के लिए। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मार्लेन तक। आई हैड काउंटलेस गार्ड्स स्टेशन टू प्रिवेंट यू फ्रॉम शोइंग अप। हाँ भाई काफ़ी सारे गार्ड से पीछे यार, बहुत सारे बैटल्स किए हमने। और के साइड में एक क्रोकोडाइल भी खड़ा हुआ है, क्रोकोडाइल। आई इवन हैड द स्टेयर्स डिस्ट्रॉयड, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट पास्ट ऑल ऑफ इट। तो इसने यार स्टेयर्स को तोड़ा था। इट डज नॉट मैटर इवन इफ यू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम लिविंग, ज़ेप्टोस पावर नाउ बिलोंग्स टू मी एंड विद इट्स पावर आई नोक यू टू राइट आउट ऑफ द वे। ओके लगता है ये हमें हराने की सोच रहा है, वैसे तो ये मुश्किल है, हमें हराना अभी काफ़ी मुश्किल है। वैसे हमने चार चार जिम मैचेस जीते हुए हैं, पता नहीं इसके पास तो एक भी नहीं होगा। वैसे यार ये टीम शैडोज का यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेम्बर है, तो यार हो सकता है मैं हरा ही यार एक बार, पर मैं इससे वैसे हारने नहीं वाला। ओके इसके पास भाई ज़ेप्टोस है, इसने ज़ेप्टोस को पकड़ भी लिया है, मास्टर बॉल से पकड़ा होगा जरूर, जो इसने स्टार्टिंग में हमसे चुराई थी। ओके हम यहाँ पर आइस पंच करते हैं, आइस पंच इफेक्टिव तो है। एजिलिटी यार ऐसे मूव से तो कुछ भी नहीं होने वाला, वैसे ज़ेप्टोस के ये बकवास मूव से बिल्कुल, इसने ऐसे मूव्स अच्छे नहीं सिखाए हुए। पता नहीं यार ये क्या कर रहा था इतनी देर, जब तक हमने मतलब इतने सारे ट्रेनर्स को हराया था, ये हो सकता है थोड़ी और ट्रेनिंग कर लेता, पर इसने ट्रेनिंग नहीं की। अभी इसे डिसएडवांटेज हो रही है काफ़ी, पर यार इसे हाइपर पोशन लेके रखे हुए हैं जो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। एक और एक्सपेंस करते हैं और यहाँ पर भाई ये काफ़ी अच्छी एचपी इसकी डैमेज कर दी हमने से। बस यार अब की बार हाइपर पोशन यूज़ ना करें। और इसने ड्रिल पिक कर दिया, ओके बस एमोसनो इसे हरा ही देगा, ज़्यादा नहीं बचा इसकी एचपी। ओके तो हमने इसे हरा ही दिया आखिरकार, ज़ेप्टोस तो फेंट हो गया, पर इसके बाकी पोकेमोन अभी बाकी हैं।
एक्सपीरियंस शेयर से बाकी पोकेमोन से हमारे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल चुका है। और अभी कौन सा हुआ, क्रोकोडाइल भाई इसका बेस्ट पोकेमोन आ रहा है लगता है ये, तो हम एपोमोसनो का ही यूज़ करते हैं वैसे सही रहेगा। ओके इंटिमिडिएट कर रहा है ये हमारे पोकेमोन को। आइस पंच इफेक्टिव है, वुड हैमर भी काफ़ी, अरे सारे मूव इफेक्टिव है भाई, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसने हमारे पोकेमोन फेंट कर दिया यार, एचपी काफ़ी कम थी इसकी। चलो कोई बात नहीं, हमारी टीम में वैसे दूसरे पोकेमोन भी हैं जो कि कर सकते हैं वैसे। चलो हम अपने सोमरोट को बुलाते हैं, हमारी टीम का सबसे पावरफुल पोकेमोन, क्योंकि इसका लेवल सबसे ज़्यादा है हमारी टीम में 53 लेवल। ओके रेजर सेल करते हैं, और इसने वापस बुला लिया क्रोकोडाइल को, तो यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर ये डस्ट क्लोप्स, ओके डस्ट क्लोप्स एक गोस्ट टाइप पोकेमोन, वैसे इतना अच्छा डैमेज तो नहीं मिला इसे। मुझे लगता है मुझे डार्क टाइप मूव करने चाहिए, और मेरी टीम में एक डार्क टाइप पोकेमोन है जो कि ये काम कर सकता है, और वो पोकेमोन है हमारा स्कॉर्पियो। इसके पास काफ़ी अच्छे डार्क टाइप मूव्स हैं जो कि इसे हराने के लिए काफ़ी हैं। ओके विल ऑफ विस्प यार, ये फायर टाइप मूव है और इसने हमारे पोकेमोन को यार काफ़ी हर्ट हो सकता है, क्योंकि यार हमारा जो स्कॉर्पियो है वो एक डार्क टाइप और बग टाइप पोकेमोन है। ओके बर्न कर दिया इसने इसे, वैसे यार बारिश हो रही है तो बर्न का तो यार मतलब नहीं बनता कोई। ओके यहाँ पर हम नाइट स्लैश से इतना अच्छा डैमेज क्यों नहीं आ रहा यार, कन्फ्यूज रहे यार, ये काफ़ी बकवास मूव कर रहा है यार। पहले इसने विल ऑफ विस्प किया और अब ये कन्फ्यूज रहे। ओके काफ़ी हट हो रहा है यहाँ पर भाई, कोई दूसरा मूव इफेक्टिव है नहीं तो हम नाइट स्लैश ही करने वाले हैं। और यहाँ पर इसने पोकेमोन को चेंज कर लिया और इसने बुलाया क्रोकोडाइल को। ओके इफेक्टिव पोकेमोन बुलाया इसने, वो डार्क टाइप पोकेमोन भी है वो, तो यार नाइट स्लैश तो ज़्यादा डैमेज करेगा नहीं। ओके एक्सीजर काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया भाई। अरे यार पावर अभी इतना अच्छा डैमेज नहीं मिला, बहुत अच्छे। और यार बार बार हमारे पोकेमोन डैमेज मिल रहा है, थोड़ा बर्न हो रहा है। ओके हम बार बार करते रहेंगे ये, और ये यार इसने क्यों कर दिया बुलडोज, और ये फेंट हो गया हमारा पोकेमोन। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अपने समरोट को बुलाते हैं। ओके चलो भाई समरोट अपना कमाल दिखाएगा यहाँ पर, और इसने यार फिर से वापस बुला लिया, लगता है इसे फेंट नहीं होने देगा। और इसने वापस से डेस्क क्लोज को बुलाया है। ओके मुझे लगता है पोकेमोन चेंज करना चाहिए, क्योंकि यार सारे मूव मतलब ज़्यादातर मूव इफेक्टिव नहीं है। इस पर भी विलो यूज कर दिया इसने और हमारा पोकेमोन बंद हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे मूव्स ट्राई करने वाले हैं ऐसे यहाँ। वैसे यार ज़्यादातर मूव्स तो इससे इफेक्ट ही नहीं करेंगे, पर हैवी स्लैम से थोड़ा सा डैमेज आया है। और ये अपनी वही स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहा है, बर्न करने वाली और उसके बाद कंफ्यूज करने वाली। तो यहाँ पर अपने हम ड्रैगो को बुलाते हैं, हमारा ड्रैगो काफ़ी पावरफुल है, और इसने यार वापस से पोकेमोन चेंज कर लिया और सुओ बैट। ओके यहाँ पर कोई मूव इफेक्टिव है, हाँ भाई डार्क टाइप मूव इफेक्टिव है करंच। ओके क्रंच देखते हैं कितना डैमेज, भाई काफ़ी अच्छा डैमेज आया, बहुत बढ़िया भाई। हमारे ड्रैको से मुझे यही उम्मीद थी, और साइकिक अटैक कर रहा है, और यार हमारे पोकेमोन काफ़ी अच्छा डैमेज मिल गया। तो आखिरकार हमने इसे हरा दिया, और यहाँ पर अभी हमारा पोकेमोन को एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, और हमारे पोकेमोन डेवलप भी हुआ है। और यहाँ पर ये बुला रहा है डस्ट क्लोप्स, ठीक है हम यहाँ पर क्रंच करते हैं वापस से। और यहाँ पर ये थोड़ी सी एचपी पर सर्वाइव कर गया बस, आइस पंच से हमारा पोकेमोन हो चुका है फेंट यार, काफ़ी प्रॉब्लम की बात थी। ओके यहाँ पर अब मुझे लगता है हमारा मैग्मार कुछ कर सकता है, वैसे उसके पास काफ़ी एक मूव है डार्क टाइप, ये रहा फेंट अटैक और शैडो स्निक्स, वैसे अभी ये फेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब की बार हमारे मैग्मार ने यहाँ पर कमाल कर दिया, मतलब हमारे दूसरे पोकेमोन ने भी, वैसे ये ड्रैगो की वजह से ही हुआ है। ओके भाई सुमो को बुलाते हैं हम थोड़ा, क्योंकि अभी हारा है क्रोकोडाइल, और यार सुमो कुछ कर सकता है वैसे। ओके इसने फिर से वापस बुला लिया यार, भेजे ही क्यों था मतलब। ओके कैप्टन ठीक है, एक बक टाइप और शायद से ये ग्रास टाइप है। ओके निडल आर्म ठीक है भाई, ठीक है निडल आर्म मत कर अब, हमारे पोकेमोन निडल्स चुप जाएंगी। एक और निडल आर्म, और ये हमारा सुमो बस फेंट होने होते बचा है बस। ओके यार इसने यार ये फेंट नहीं होने वाला लगता है, और हमारा सुमो फेंट हो गया। यहाँ पर हमारे पास दो पोकेमोन बचते हैं, एक मैग्मार और एक समरोट। वैसे मैग्मार कुछ कर सकता है, उसके पास अच्छे खासे फायर टाइप मूव्स हैं फ्लेम थ्रोवर। ओके बस फेंट हो जाए यार। ओके हो गया फेंट, बहुत बढ़िया। और कोई पोकेमोन बचता है क्या? ओके एक क्रोकोडाइल बचता है, इसका बेस्ट पोकेमोन, हम अपने समरोट को बुलाते हैं। वैसे तो हमारा समरोट जो है एक ही हिट में से केओ कर सकता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी अच्छे मूव्स हैं वो वाटर टाइप के। एक्वाडेल करते हैं अब की बार, और ये भाई हो गया आखिरकार, हमने इसे हरा ही दिया, मार्लिन हार चुका है हमसे। तो ये अब अपने बॉस को जाकर कहेगा मैं एक और बार गीगा से हार गया, इट्स ओवर फॉर मी गीगा, आई कैन डिफीट यू, सो आई रिलीज रैप्टोस बैक इनटू द वाइल्ड, यू हैव माय वर्ड्स, आई वॉन्ट गो आफ्टर इट अगेन। ओके तो इसने यहाँ रैप्टोस को रिलीज़ कर दिया,
ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई। वैसे इसके यार दूसरे जो पार्टनर्स हैं मतलब जेप्टोस के, आर्टिगोनो और मोल्ट्रेस, वो अभी पकड़े हुए गए हैं, उन्हें भी शायद हमें छुड़ाना पड़ेगा या फिर हो चुका रिलीज़ हो गए हों। पर मुझे लगता है आज की वीडियो के तक सही रहेगा, काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है और हमने वैसे काफ़ी कुछ किया और अब हमने जेप्टोस को बचा ही लिया, आखिरकार हमारा मिशन पूरा हो चुका है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।